हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लविस वर्ल्ड। सुबह हो चुकी है, आज मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि आज है बुधवार। हमेशा की तरह हम करते हैं पूजा। और देखो लविस को उठा रहा हूँ। उठे नहीं हो तुम, उठाया है मतलब उठाया है। और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे पैर में बहुत दर्द है दो दिन से। कल मेरी तबीयत खराब हुई थी मगर आज जाना है, उठना पड़ा है। कल नवरात्रि है, कल से नवरात्रि चालू है तो सारी आज भाग दौड़ आज ही कर लेनी है। सोमड़ी भी उठी नहीं है, तो उठाया है तो सोमड़ी को पंखा बंद करके मैंने। उठे लावी, उठ जल्दी, देख खाए तो करते, देख लावी सुन नहीं रहा। देखो लावी उठ नहीं रही है फ्रेंड, लेट सोती है, लेट उठती है। और सीमा कर रही है यहाँ पे पूजा की तैयारी। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज ये चढ़ा रही है माता को काजू बर्फी, काजू कतली जिसको कहते हैं, वो भी लावी ने मंगाई। लावी की फेवरेट है कि मेरे लिए काजू कतली लाना, तो काजू कतली लाए हैं, चढ़ाएंगे माता पे, वो खाएंगे फिर चलेंगे। मैं सीमा को छोड़ के गाड़ी लेके, आज मेरे को दो दिन काम है, मुझे कपड़े भी अपने बनवाने हैं, सिलवाने हैं, तो भी लेके जाऊंगा साथ में। क्या कराते हैं, स्टिच कराने हैं कपड़े, काफी टाइम हो गए तो मैं स्टिच करा के ही पहनता हूँ, तो वहां पे भी जाएंगे। समय रहा तो दिखाऊंगा, नहीं तो एक दो काम है, फोटो बनवाने जाना है, बहुत सारे काम है आज, सारे निपटा देने हैं। नवरात्रे कल से है, उसके बाद फिर आना जाना बंद हो जाएगा। शाम को भी काम है, सब मार्केट चल रहा है। और शाम को भी बता, देख लो आपने सुन लिया होगा, अगर मेरे पैर में राम रहा तो मैं मार्केट जाऊंगा। देखो मैं बता दूंगा पहले, वरना मैं तुम्हें सामान ले आऊंगा, पहले ही सामान तुम्हें ला दूंगा। वो तो तुम ले ही आओगी ना वाला तो। और अब हम जा रहे हैं, यहाँ मम्मी बैठी है और बच्ची बैठी है और सीमा तैयार हो गई है जाने के लिए, मतलब मैं भी जा रहा हूँ साथ में। इनको छोड़ दूंगा, वो पीछे बंदा खड़ा है वो खतरनाक, इनको छोड़ के गाड़ी लेके। आज मुझे गाड़ी से बहुत ज्यादा काम है, मैं जाऊंगा दो दिन काम करने, क्योंकि बुलेट जो है खड़ी है मेरे पास, बड़ों में अभी चलती नहीं है। एक तो मेरे पैर में भी दर्द है और हाथ में भी अभी ठीक हुआ है। चलते हैं, इनको छोड़ता हूँ फिर दिखाता हूँ। अब मिलेंगे आपको सीधा शाम को, अगर दोपहर में कहीं कुछ दिखाने लायक हुआ तो दिखा दूंगा, वरना सीधा आपको मिलूंगा मैं घर आके सीधा शाम को। और तुम्हारा रिक्शे से आना, मेरे जाना मत रहना, मुझे बहुत काम है। One hour later. और फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ आज अपने हुनहार साथी के पास। ये बंदे ने देखो अबे कैमरा ऑन करते ना मुंह रख लिया, बाकी ये पहचानने वाले पहचान लेंगे। और यहाँ पे हो रहा है काम और ये बैठे हैं अभिषेक भाई। हेलो एवरीवन, तुम्हारा भाई देखो पतला हो गया, वेट कम कर लिया बहुत। और मैं बैक कैमरे दिखाता हूँ, यहाँ पे हो रहा है चिट्टी को जतिन के लिए बन रहे हैं मग। भाई का फोटोशॉप का काम है लोनी सेक्टर 16 में, यही करता है हमारे घर के सारे, जो भी फोटो वोटो बनती है सारे यहीं से होते हैं। और अभी अभिषेक भी सीख रहा है काम, शायद ये वीडियो एडिटिंग की तरफ जाएगा, ये फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग दोनों ही फिर एक साथ करेंगे। ये देखो फ्रेंड, ये जतिन का बन रहा है, चिट्टी का बन चुका है, और भी दो तीन काम है वो भी। और ये फैमिली फोटो के लिए आए हैं ये फोटोग्राफ्स काफी सारे, आज मैं आया हूँ काफी साल बाद। इनका ऑफिस पहले कहीं और था पास में ही, बट इन्होंने अभी शिफ्ट कर लिया, काफी ढूंढता ढूंढता आया, फोन पे लोकेशन मुझे समझा नहीं पा रहे थे। चलो काम वाम करा के फिर एक जगह और जाना है, मिलते हैं। प्लान था नहीं, यहाँ पे आने का प्लान था नहीं, एकदम से आ गया, तो मैंने आपको सोचा दिखा देता हूँ, दिखा दिया मैं इसलिए। चलो काफी टाइम लग गया तो थोड़ा ब्लॉग ही बना लेते हैं, वरना काम करा के मैं निकल जाता यहाँ से। और मैं आता इसको यहाँ पे शाम को, बड़े पहले ही आ गया, कहीं और भी जाना है मुझे, वो काम निपटा था वो घर जाऊँगा। मैं आ चुका हूँ घर और बहुत थक गया हूँ आज। ये सुमड़ी बैठी है देखो, मैं भी थक गई हूँ आज बहुत, बहुत थक गया हूँ, ये भी थक गए हैं। वैसे तो मम्मी तन्नु और लावी, लावी नहीं, इन्होंने घर का काम किया है, मैं भी थक गया हूँ, ये लोग भी थक गए, इन्होंने किया घर का काम, और मैं बाहर के दो तीन काम थे निपटाया हूँ, और एक दो काम रह गया वो कल परसों कर दूंगा। और कल पूजा है, जो पूजा का काम था वो मैं पूरा करके आ गया हूँ, और कल वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और आजकल हमारे ब्लॉग जो है आ नहीं रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं आजकल ना ब्लॉग डाल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ शॉपिंग करने में, दो तीन काम बोले हुए हैं सीमा ने काफ़ी दिनों से, वो हो नहीं पा रहे थे, मगर आज मेरे दो दिन मिले थे, वो काम मैंने करके दे दिए इनको। ये भी तो मुझे इन्होंने उसी का गिफ्ट, मुझे घड़ी के रूप में
दिया है। बंद होगी ये देखो, घड़ी के रूप में ये गिफ्ट मिला है मुझे। और ये ब्रह्मा जी, मैं भी आ गया था, मैं इनको रास्ते में मिल गया था, फिर हम गए थे नवरात्रि की शॉपिंग करने, और अभी आए देखो ये भी लेट गए। और हमारे शॉपिंग का सामान देखो उधर रखा है, लवी कहाँ है, लवी बैठ वो देखो उधर रखा है। और ये आप देख रहे हो खाली कैसे हो गया, आज दिन भर तन्नू मम्मी और लावी ने मिलकर यही काम किया, सोफा हटाया, पूरे घर की सफाई करी। पूरे नौकरी से पहले हम लोग सफाई उफाई करके पूरे घर की प्याज लहसुन प्याज और जो भी लहसुन प्याज की चीजें हैं, क्योंकि हम नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, वो सब हमने बाहर निकाल दिया है, बांट दिया है आस पड़ोस में सबको, क्योंकि अब हम नहीं खाएंगे और ना ही घर में बनेगा। आराम की नानी को दे दिया है। और अभी हम आए पानी वानी पी के बस थोड़ा आराम कर ले, फिर मिलते थोड़ी देर। A few moments later. समय हो गया खाना खाने का टाइम हो गया, खाना डाल रही थी माँ। और ये देखो ये आया था थोड़ी देर खेला और सो गया, और तन्नू देख रही है मोबाइल में कार्टून। लावी है वो। अरे कहना क्या चाहते हो? लावी देख रही है मोबाइल में कार्टून, होगी देख रही है होगी। और यहाँ पे तन्नू निकाल रही है पापड़, आज पापड़ खा लेते हैं, कल से तो फिर नुआते लग जाएंगे। कल मैंने इस बार पूरे व्रत रख रहा हूँ, आज से 8 साल पहले मैंने पूरे व्रत रखे थे, 8 साल के बाद अब रख रहा हूँ। 8 साल के बाद शायद रखे एक बार बीच में, और उसके बाद अब रख रहा हूँ। और सीमा रखेगी फर्स्ट एंड लास्ट, और लावी पूरे रखेगी, जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, दिखा पाको चल जाएगा पूरे रख पाएगी कि नहीं। आज भी मैंने 2-3 सब्जी बनाई है, और अभी खाना खाएंगे फिर मिलते हैं। सबका खाना आ चुका है, सब बैठ गए हैं, सीमा ला रही है बस। और आज बनाई है काफी दिन बाद करेला भाजा, बंगाली डिश है करेला भाजा और आलू छेना है। मुझे पता नहीं जरा भी क्या है बोलते हैं इसको, अभी सीमा बताएगी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको। सबका खाना आ गया, ये लोग खा रहे चावल और मैं हमेशा की तरह वही रोटी, और आज मैंने स्पेशल बनवाए हैं पापड़ जो काफी देर से ले आई सीमा, बताइए क्या है ये। ये है मूंग की दाल आलू छेना उससे भाजा, करेला की भुजिया है, आलू की चटनी है, मूंग की दाल है बंगाली स्टाइल। और अब मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, मैंने नाम बताया वो तो ये डिश है, बंगाली डिश है, बंगाली दाल है बंगाली स्टाइल में, और ये है आलू की चटनी जिसको आलू भाजा कहते हैं, आलू छेना कहते हैं, आलू छेना। ये है आलू और करेला भाजा, और ये दाल, ये पापड़, खीरा, प्याज अभी हमारी थाली से गायब हो चुकी है नवरात्रि की वजह से। और ये है लावी की थाली छोटी सी चावल के साथ, और ये देखो यहाँ पे खाते हुए मम्मी तन्नू लावी वहाँ खड़ी है नमक के लिए, लावी अभी आएगी फिर बैठेगी। यहाँ बनाते हैं ये सेहर, क्योंकि आज हमें खाना मुझे लग रहा है अलग ही लगेगा, क्योंकि लहसुन प्याज का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है इसमें, तो आज से हम आर्ट शुरू हो गए हैं, अच्छा लगता है खा रहे हैं। और सीमा ला रही है, और यहाँ पे सेहत बनाई भी जा रही है, चक्कर क्या है चावल पे देसी घी डाल के खाते हैं, ये लिया है सीमा अपना खाना। और कल इनका फास्ट है, इनका फर्स्ट एंड लास्ट है, और मेरा है फुल, पूरे फास्ट रखूंगा मैं इस बार, देखता हूँ रखे अगर रखे जाएंगे तो पूरे रखूंगा, वरना देखते हैं। आप बने रहिए, आपको भी दिखाएंगे, खा लेते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, करेंगे ब्लॉग को एंड। और अब जितने भी नौ नौराते होते हैं, नौ नौराते और उसके बाद भी कम रहेगा, मगर पूरे नौराते जो भी हमारे आसपास पूजा होती है मैं सब जगह लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा जो भी हो सकेगा उसके बारे में बताऊंगा, कितने साल से वो पूजा हो रही है। एक पूजा में हम भी है, वहां पे भी मैं जाता हूँ, जाना छोड़ देता है बीच में, बट अब जाऊंगा आपके लिए, आप लोगों के लिए जाऊंगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके घर में किस किसने फास्ट रखे हैं, और खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। खाना वाना हमने खा लिया है, और ऊपर जाने से पहले देखो सीमा क्या कर रही है, काम पे लगे हुए हैं, कल की तैयारी कर रहे हैं फुल जोर शोर से। दिया है ये, दिया है, दिए को ना सजाने का काम कर रहे हैं लावी और लावी की मम्मी, दोनों जने दोनों ही आर्टिस्ट है ये, सीमा तो है ही जैसा कि आप लोग सब जानते हैं नील आर्टिस्ट, और लावी भी आर्टिस्ट है, कुछ ना कुछ आर्ट करती रहती है,
और हमारे लिए हमेशा ग्रेटिंग बनाती है, जैसा कि आपने व्लॉग में देखा भी है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आर्ट हो रहा है, सीमा नेल आर्टिस्ट कर रही है आज दीवे पे आर्ट, और ये सब नेल पेंट्स से कर रही है, और ये सब कुछ सब ना फ्रेश नेल पेंट्स है, कोई भी यूज हुए नहीं है, ये लाए थे बट अभी तक यूज नहीं किए, फ्रेश है सब। ये वाला पोर्शन दिखता है, दिख रहा है उसमें? हाँ, अच्छा लग रहा है। देखो फ्रेंड्स, आप भी करें नवरात्रि, इस बार सीमा ने ठाना है दो बड़ी धूमधाम से बनाना है। वैसे बनाते हैं हम हर साल है, क्योंकि ये है ना इनका, जैसे हमारे दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं हम दिल्ली में और आसपास के एरिया में, ऐसे ही इनके में दुर्गा पूजा इनका फेस्टिवल है, और बड़े धूमधाम से बनाते हैं, इतने ही बंगाली है। देखो फ्रेंड्स, माँ बेटी दोनों लगी हुई है अपने अपने कलाकारी दिखाने में। ये देखो, ये इनकी असिस्टेंट है, ये सीमा नेल आर्टिस्ट, और ये असिस्टेंट है, और ये दोनों की झगड़ा हो गया, दोनों आर्टिस्टों का झगड़ा हो गया, वगैरह मैं करूंगा, वगैरह मैं करूंगी, दोनों दीदी। ओ देखो वही लावी, हम आ गए हैं ऊपर, आज बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हालत मेरी तो भैया पूरी खराब है, सीमा जी से पूछते हैं। हाँ जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, बाकी तो तुम्हारी सगनी देख के लग रहा है, तुम्हारी हालत देख के लग रहा है। हाँ जी, आप? मैं भी थक गई हूँ। लावी थक गई है, थकी है कि नहीं? आपको हमारी सिगल से लग रहा है हम थक रहे हैं, लावी की सिगल से लग रहा है, दिखाइए लावी से। तो काम करवा रही थी मैं। काम करा रही थी, अच्छी बात है ना, घर का काम कराना चाहिए फ्रेंड्स। और हाँ, लावी ने कहा था मुझे, मैं भूल गया था कि हमें आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो हमने एक चीज मंगाई थी ना आपको फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, मैंने बताया था, वो आज हमने ऊपर लगाया है, देख चेक कर रहे हैं हम, पूरी रात को जला के रखेंगे कि कैसे चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, रेड लाइट बंद करके तैयार हो जाइए, अभी दिखाता हूँ, अभी लावी आ रही है, लावी बंद करेगी फिर दिखाते हैं। ये देखो हो गई लावी, लाइट बंद हो गई फ्रेंड्स, शायद हम आपको दिख नहीं रहे होंगे, और मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, रूफ पे दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो, और अब मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखो फ्रेंड्स, जहाँ पे सामने एसी लगा हुआ है उसके उस वाली दीवार है ये, और ये गेट है, और उस तरफ साइड से दिखाई दे रहा है टीवी है, ये लावी बैठी दिख नहीं रहा होगा आपको, मेरे बैक साइड का है ये, मेरे बैक साइड का साइड की वॉल है ये, मैं देखा मेरे को मेरा चुनाव चेहरा दिख रहा होगा आपको, ये आई लाइट, और अब मैं चलाता हूँ लाइट। ये देखो फ्रेंड्स, जादू, मगर ये ना हमने मंगाया था मंदिर में लगाने के लिए, बट ये नाइट लाइट है, नाइट में लगाने के लिए है, इसलिए हमने नाइट में लगाया है पूरे फैल के, शायद आप हमारा कैमरा सही जज नहीं कर पा रहा हो, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और अब करते हैं इसी के साथ ब्लॉग को एंड, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चलो सब्सक्राइब कर देना, सीमा जी बहुत बिजी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या बजा देना, घंटा जरूर बजा देना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे आने वाले व्लॉग बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं, पूरी नवरात्रि हम और हम कैसे व्रत रखते हैं अपने घर में, सिर्फ अपने घर का तरीका दिखाएंगे, और क्या क्या खाते हैं ये भी दिखाएंगे, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि तन्नु बनाती है नवरात्रि का पूरा खाना, बहुत स्वाद स्वाद। कल पहला फास्ट है, कल भी जिम भी जाना, मैं 3-4 दिन से गई नहीं है, तो तीन दिन की इनकी छुट्टी हो चुकी है, और आज हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, बाकी इनको जिम जाना है, ठीक है, मिलेंगे कल अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, गुड नाइट।